हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन गार्ड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि सीबीएसई के जो टेंथ के एग्ज़ाम हैं जो लॉकडाउन की वजह से रह गए थे, तो उनमें क्या होगा कि वो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं आपको जो सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी का भी लाइव इंटरव्यू सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है, सीबीएसई की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँची है। तो आइए व्यूअर्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट आप तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है और सबसे जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नीचे जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दिया होगा, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे आपके एग्जाम से लेकर, नोट से लेकर, प्रैक्टिकल फाइल से लेकर सारी चीज़ों तक के लिए। तो व्यूअर्स, अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनके एग्जाम अब नहीं होंगे। जी हाँ, टेंथ में सीबीएसई में ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम नहीं होंगे। ये बयान दिया है सीबीएसई के अनुराग त्रिपाठी जो सचिव हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने और बोली है कि वो बच्चे जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें एक नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है, उसके अंदर जो एग्जाम रह गए थे टेंथ के, वो एग्जाम होंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों के होंगे और कहीं पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम नहीं होंगे टेंथ के। उनको उनके इंटरनल मार्क्स और पीछे के जो भी मार्क्स हैं उनके हिसाब से उनको प्रमोट पास कर दिया जाएगा। तो टेंथ के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आप ट्वेल्थ सीबीएसई की बात करते हैं। ट्वेल्थ सीबीएसई में स्टूडेंट्स, ऐसा कहा गया है कि सिर्फ 12 सब्जेक्ट विषयों के एग्जाम होंगे, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और आपको अगर आपको चाहिए होगा लिंक, तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कितने विषय की होगी। उसमें ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो 12 मेन सब्जेक्ट हैं ट्वेल्थ के, सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। उनका एग्ज़ाम क्यों हुआ, क्यों उन्होंने बोला कि देखिए, जो ट्वेल्थ के जो बच्चे होते हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं और दूसरे समय में एडमिशन लेते हैं, उनमें मेरिट होता है, किसी में मेरिट में एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में। तो उन्होंने इसलिए कहा कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कराने कंपलसरी है, और उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा। उन्होंने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में वो एग्ज़ाम करा दें। और एक उन्होंने कहा था कि एक क्लास में हम कम बच्चे रखेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। देखिए, सरकार को भी ये डर है कि कहीं बच्चों में वो वायरस ना फैल जाए, तो फिर भी लेकिन सरकार फिर भी चाहती है कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी सरकार को और सीबीएसई वालों को कि उन्होंने टेंथ के बच्चों को प्रमोट पास किया, लेकिन ट्वेल्थ के बच्चों के साथ वो एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए व्यूअर्स, और दूसरी एक चीज़ और बतानी थी इसमें कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो बच्चे पूछ रहे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट उन्होंने कहा कि हम 13 से 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 1.5 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये बातें उन्होंने खुद एक चैनल के माध्यम से कही है, जो एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने कही है। तो मैं आपको पूरा इंटरव्यू सुनवा देता हूँ, आप आराम से सुन लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिया गया उस पे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पूरी मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे इस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपको जो हमारे सचिव है सीबीएसई के अनुराग त्रिपाठी जी, उनका पूरा स्टेटमेंट आप सुन लेंगे। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। करने के लिए हैं सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सीबीपी से बात करने के लिए। अनुराग जी, बहुत आशंकाएं हैं लोगों के मन में, खासकर रिजल्ट्स को लेकर। अभी बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत सी होनी बाकी हैं परीक्षाएं टेंथ की और ट्वेल्थ की। इन सभी मुद्दों का समाधान क्या है, कैसे क्या आप लोग एग्जाम कराएंगे अभी नहीं कराएंगे, पहला मेरा सवाल यही है आपसे। नीरज जी, ये एक ऐसा समय है जब कोविड का संकट पूरे विश्व में है, और सीबीएसई बोर्ड देश के बाकी बोर्ड और पूरे विश्व के सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट लॉकडाउन है। तो मेरा पहला सजेशन यह है बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से, कि इस समय पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखें, घर पर रहें, जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है, टीचर के गाइडेंस में हो सकती है, उसको पूरा करें और किसी तरह का तनाव महसूस ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा वो पूरे देश और विश्व में एक समान होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वर्ल्ड वाइड सारे बंद हैं, अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर के लेट होंगे, हमारा इवेल्युएशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा। तो इसमें जब सारी चीज़ें एक समान हैं तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहली आवश्यकता है बच्चे और पेरेंट्स पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और दूसरी आवश्यकता है कि पेरेंट्स बच्चों को पेशेंस के लिए इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करें, उनकी मेंटल
मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और इस समय बच्चे किसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाएं, नहीं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा। जहां तक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं की ज्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं हो रही, वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वह परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि उन काफी बच्चे छूट गए थे। बाकी पूरे देश में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्कुलर 1 अप्रैल का है। एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे के दौरान जो घटनाएं हुई थी वहां पे, उस दौरान जो परीक्षा रद्द की गई थी उन्हीं की परीक्षाएं होंगी, बस यही आप बता रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल को ये डिसीजन पूरे देश के सामने CBSE ने भेज दिया था, वेबसाइट पर डाल दिया था, सारे स्कूलों को लिखित में चला गया है कि नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के अलावा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे। जहां तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विषयों की परीक्षा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है, और वह एक ऐसी चीज है जिसका निर्णय अभी लेना संभव नहीं है। लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा कि देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और अब स्कूलों में परीक्षाएं हो सकती है, तभी हम करेंगे, क्योंकि जीवन पहले है। शिक्षा को हम शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे, और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेने जाते हैं एडमिशन, और CBSE के मार्कशीट की एक वैल्यू है, उनको देखा जाता है। तो अगर 12वीं के बच्चों के किसी विषय की परीक्षा नहीं हो पाएगी तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान उठे, तो पहला तो प्रयास हम करेंगे कि लॉकडाउन के बाद मौका मिलते हम परीक्षा बची हुई करा सकेंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है तो उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता, और लोगों को धैर्य रख करके बच्चों को, CBSE को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है। कितनी परीक्षाएं हैं 12वीं की बची हुई हैं और आपको क्या लगता है कि उन परीक्षाओं में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए 12वीं के कुल 12 विषयों की परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें एक ज्योग्राफी है, भूगोल की परीक्षा बची है, ऐसे ही कुछ ह्यूमैनिटीज के और बचे हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर का बचा हुआ है, ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें काफी मात्रा में बच्चे हैं, इनकी परीक्षा लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें मौका लगेगा हम करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कमरे में कम से कम बच्चे बैठाएंगे, लेकिन ये निर्णय हमारा नहीं होगा, ये निर्णय बहुत सोच समझ करके देश को लेना होगा कि बच्चों को संकट ना आए। एक प्रश्न आपने और किया था कि जो परीक्षाएं हो गई हैं हम फाइनली रिजल्ट कब तक देंगे, ये दूसरी आवश्यकता है कि जो परीक्षाएं हो गई उनका हम इवैल्यूएशन कर सकें। कुछ इवैल्यूएशन हो गया है, कुछ अभी लंबित है, हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इवैल्यूएशन का मौका मिला तो हम जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए बची हुई परीक्षाएं 13 से 15 दिन में होंगी, जो हमारी बची है 12th की, ऑलमोस्ट 13-15 डेज लगेगा। हमने ये भी कहा है कि परीक्षा शुरू करने से पहले 10 दिन पहले हम बच्चों को जरूर बताएंगे, टीचर को बताएंगे, जिससे वो पैनिक ना हो, मिनिमम 10 डेज तैयारी का मौका मिले, तो 10 दिन का मौका देंगे, 13 से 15 दिन हमें परीक्षा करने में लगेगा। इसके बाद जो इवैल्यूएशन बचा हुआ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का समय लगेगा, तो सब कुछ ठीक रहा हम 2 महीने में अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि सर ने क्या बोला, क्या कहते हैं CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी जी ने क्या बोला, और जो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने की वाली थी हमने कोशिश करी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर अभी हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारी टीम और मैं अवेलेबल हूँ आपके आंसर देने के लिए, तो आप हमारे चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या जो नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन लिंक में
उस नंबर पर जाकर आप अपना नाम और अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जिससे कि हमारी जो टीम है वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर 12th स्टूडेंट्स, ये आपके जो एग्ज़ाम होने वो होने वाले हैं, और 10th के लिए शुभकामनाएं कि 10th वाले बच्चे पास हो चुके हैं। और पेरेंट्स बिल्कुल भी पैनिक ना हो, सर ने बोला है कि आप पैनिक ना हो, आराम से सब चीज़ें सरकार देख रही है, बच्चों को इमोशंस को आप अपने साथ रखें, बच्चों को समझाएं और आने वाले जो एग्ज़ाम है 12th के उनके लिए तैयारी करें। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें ऐसे ही अपने सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें जो कि सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो जय हिंद, जय भारत।